अभी भी मेरा एक हम्बल सजेशन है अगर कोई बच्चा लॉस्ट फील कर रहा है या बच्चे को समझ नहीं आ रहा है बेटा सब कुछ छोड़ो पी वाई उठाओ लास्ट फाइव इयर्स के तो मिनिमम करके ही जाओ आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैट किस प्रकार के क्वेश्चन देता है एवरीडे डे रिमेम्बर आपको जनरल रीडिंग करना ही है बेटा किसी भी हालत में हाफ एन जनरल रीडिंग करो एज अ मैनेजर आप कितना रेजिलियंट हो सकते हो आप कितना स्टेट ऑफ माइंड अपना काम रख सकते हो नो मैटर वॉट द प्रेशर इज डन इट सो वेल सो फार यू विल डू इट इन द फ्यूचर डोट वेरी व्हाट्सअप ऑल माई कैट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एक्सपीरियंस दिस इज वी आर सी एक्सपर्ट एंड वेलकम टू दैनल तो अब फाइनल लेग ऑफ द जर्नी बेटा सब खत्म हो गया आपका 90 डेज टू कैट 100 डेज टू कैट 30 डेज टू कैट अब आ जाते हैं इस छोटे से वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको फाइनली फाइनली लास्ट टेन डेज में क्या करना है एंड तक रुकना समझ के जाना मैं बहुत प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ मोर और लेस दे विल बेनिफिट यू होपफुली दिस विल हेल्प यू रिलैक्स एंड गेट मोटिवेटेड फॉर द फाइनल कैट आ जाओ

ठीक है वो आपको बेटा गो थ्रू करना पड़ेगा यू नेवर नो वॉट विल हेल्प यू एंड स्ट्राइक अच्छा ऑल्सो रिमेंबर बेटा यू शुड बी एबल टू अप्लाई ऑल दीज साइमटेनियसली जो आप कर रहे हो आई एम नॉट डिनाइंग इट बट बेटा सोचते चलो करते चलो अच्छा वी ए आर सी की बात करते हैं तो बेटा बेन थ्योरी को एक बार गो थ्रू कर लेना बीस थ्योरी को ठीक है कीवर्ड बेस्ड अप्रोच मेरे इतने सारे वीडियोस ये चैनल पे प्रेजेंट है हाउ टू तो एनालाइज पैसेजेस एडिटोरियल्स ऑथर का पीओवी कैसे निकाले पैसेज में कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांजिशन वर्ड है वो सारे की एक बार गो थ्रू कर लेना बाई हार्ट कुछ नहीं करना है गो थ्रू करना है सो मेक श्योर तो इससे क्या है बेटा आपका फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा ठीक है प्लीज रिमेंबर इस टाइम पे आपको करना है टारगेटेड प्रैक्टिस मतलब पे पे ध्यान दो ठीक है बेटा अभी भी मेरा एक हम्बल सजेशन है अगर कोई बच्चा लॉस्ट फील कर रहा है या बच्चे को समझ नहीं आ रहा है बेटा सब कुछ छोड़ो पी वाई क्यू उठाओ लास्ट फाइव के तो मिनिमम करके ही जाओ आपको एक आइडिया आ जाएगा

Anything solving without analysis is not going to yield anything. तो so, beta mistakes analysis review karte hue go through your errors from your mock test, understand why you made this mistakes. Ideally आपने अगर अपना एक error का document बनाया है, diary बनाया है, कहीं पे आपने analyze किया है, बेटा उसको खोल के बैठो। ये देखो कौन से set ने of LRDI आपको सबसे ज़्यादा बर्बाद किया था? कौन सा सेट नॉन डूएबल था आपने उसको क्यों उठाया था क्यूए का कौन सा सवाल डूएबल था आपसे मिस हो गया था वीएआरसी में वीए पे आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो ये छोटी-छोटी चीजों पे ध्यान देना पैरा जंबल्स में कौन से कीवर्ड्स के बेसिस पे आपके दो पैर बनने चाहिए ये सब छोटी-छोटी चीजों पे 100% यू हैव टू पे अटेंशन इट विल हेल्प यू ठीक है अच्छा पीपल प्लीज रिमेंबर अभी बेटा ये लास्ट लास्ट के 10 दिन हैं बेटा 1 2 दिन पहले कैट के मॉक मत लिखना मत करना वो खाम खा मखा अगर तुमने टफ मॉक दे दिया कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई बेटा आपको डीमोटिवेट नहीं करना है तो मेरे हिसाब से एक दो दिन पहले छोड़ दो बेटा रिविजन करो गो थ्रू करो ठीक है यू आर स्टिल एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू क्वेश्चन वॉट एवर प्रेप यू डू इन दीज लास्ट टेन डेज डू इट इन दा ये बड़ा अच्छा है बेटा ठीक है सुन लो अभी बाय नाउ

आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी उस टाइम पे आपकी बॉडी एक्टिव मसल मेमोरी अच्छी हो जाएगी सो प्लीज मेक श्योर टू डू दैट छोटी सी सिली सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इन 10 दिनों में प्लीज कुछ करना मत हरकतें जिम में ज्यादा लिफ्ट मत करना अतरम पटरम खाने मत खाना बेटा किसी भी हालत में आप बीमार नहीं पड़ सकते हो ठीक है तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ हो सके तो घर पे रहना ज्यादा पार्टी डिस्को घूमने मत जाना मतलब ये अफकोर्स ये लास्ट डेट टिप भी बोलते हैं पेट खराब हो जाए कभी सर्दी जुकाम हो जाए एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ठीक है बिकॉज बेटा एज वी स्पीक मौसम बदल रहा है नॉट कैट की वजह से बट ओवरऑल विंटर इज कमिंग तो बेटा थोड़ा ध्यान रखो अपना दिस इज दॉट द टाइम टू फॉल सिक तो दिस इज दिस गुड विदाउट गुड बट कीप दिस इन माइंड चलिए नाउ माय सजेशन इज इन दिस टाइम आल्सो एक्सपोज योरसेल्फ टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ठीक है सो रीड थ्रू एज मेनी क्वेश्चन बेटा अमित सर ना रीड थ्रू बोल रहे हैं नॉट इवन सॉल्व बोल रहे हैं क्योंकि सॉल्विंग सोल्विंग स्टिल टेक टाइम गो थ्रू करो इफ पॉसिबल उनका अप्रोच को समझो ठीक है ट्राई टू विजुअलाइज द अप्रोच एंड एवैल्यू एरिया स्ट्रॉगर वीक एरिया इसके बेसिस पे आपको समझा आपको क्या नहीं आया आपका क्या अप्रोच था तो ये बिकॉज ऑल द टाइम यूर एक्सपोजिंग योर ब्रेन टू वेज ऑफ लुकिंग एट अ क्वेश्चन बिकॉज बेटा कैट में ऐसे भी होता है ना देर आर डिफरेंट अप्रोचेज लॉन्ग अप्रोच शॉर्ट अप्रोच सॉल्व तो हो जाता है समझ रहे हो अच्छा पैसेज को भी रीडिंग के डिफरेंट तरीके है एनालिसिस के डिफरेंट तरीके है वो सब करना तो देखना शुरू करो एवरी डे रिमेंबर आपको जेनरल रीडिंग करना ही है बेटा किसी भी हालत में हाफ एन आवर जनरल रीडिंग करो टेक इट एज ए स्ट्रेस जब भी रीडिंग कर रहे हो हैं आर्टिकल्स को मेंटली समराइज करना शुरू करो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उसमें मेन पॉइंट्स निकालना शुरू करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है पीपल आई होप दिस इज मेकिंग सेंस बेटा अब तक अगर अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है एक जरा चैट कॉमेंट्स में जाकर लगा लगाओ हार्ट लगाओ कि सर हमको समझ में तो आ रहा है ओके okay, चलो नाउ बेटा दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देखो पूरा साल अमित सर आप पे कितना चिल्लाए बाकी सब टीचर्स वॉट एवर बट रिमेंबर यू सर्वाइव्ड यू रीच यहाँ तक आप पहुंचे हो हॉल टिकट वॉल टिकट एडमिट कार्ड सब आ गया है बेटा आप थोड़ा ढील दे दो सो गो इजी ठीक है सर्टन थिंग्स इन कैट एग्जाम दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल ब्रो ठीक है देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट डिटर्मिन योर परफॉर्मेंस एंड तो बेटा हार्ड वर्क तो है देर इज नो डाउट आपकी सिंसियरिटी है देर इज नो डाउट बट एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल अब वो पेपर टफ आएगा अनप्रिडिक्टेबल आएगा ओ माई गॉड ये मैं जब देख रहा हूं मेरा तो खून खोल रहा है भाई यूट्यूब भरा पड़ा है स्लॉट वन बेटर है कि कि स्लॉट स्लॉट बेटा तुम्हारा जो भी स्लॉट है वो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है बेटा अभी तुम जाके अपना बेस्ट देकर आओ नॉर्मलाइजेशन करके कोई चीज होती है हो जाएगी तुम उसकी टेंशन मत लो वो कैट पे छोड़ दो इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू सो विल यू प्लीज स्टॉप एंटरटेनिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स बेटा ये मैं आपको हम्बल मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वन आउट देर ठीक है फोकस ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स अब बात करते हैं आपके कंट्रोल में क्या है आपके कंट्रोल में ये है कंट्रोल में है ये अगर उड़ गया ये अगर आपको समझ में आपको पैनिक अटैक आ गया और आपको डीमोटिवेशन की दुकान आप बन गए कैट का एग्जाम समझो खोलते ही ऐसा कुछ अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया और आपको लगा बस अभी तो खत्म हो गया तो खत्म, बेटा मेंटल स्टेट वी वॉन्ट यू टू बी स्ट्रॉग आप कितना रेजिलियंट हो सकते हो आप कितना स्टेट ऑफ माइंड अपना काम रख सकते हो नो मैटर वॉट द प्रेशर इज तो देख लेंगे डू इट विदाइल यू डन इट सो वेल सो फार यू विल डू इट विन द फ्यूचर डोट वेरी ठीक है तो बेटा आपका इमोशनल क्वेश्चन आपका सेल्फ मोटिवेशन ये बहुत जरूरी है सो so, मैं हमेशा एक बात अपने बच्चों को यही बोलता हूँ जब डीमोटिवेट हो रहा हो डार्क थॉट्स आ रहे हो अपने टीचर्स को रीच आउट करो मेंटर्स को रीच आउट करो टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करो उसमें डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाओ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो वेन एवर यू फील दिस देन वो कहते हैं ना गो फॉर अ वॉक या तो टेक फ्रेश टेक डीप ब्रेथ्स थोड़ा योगा कर लो थोड़ा मेडिटेशन कर लो है पानी स्प्लैश करो अलग क्वेश्चन सॉल्व करो डिस्ट्रैक्ट बट डोंट गेट लॉस्ट इन दिस लूज डोंट लूज नॉट वर्थ इट लेकिन बेटा ये सब आपके हाथ में है. बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है तो छोड़ो देखा जाएगा बेटा पी वाई क्यूज द बेस्ट फ्रेंड एवर ठीक है बेस्ट डिपोजिटरीज ऑफ अ क्वालिटी क्वेश्चन हेल्प यू गेज द डेल्टा ऑफ इंप्रूवमेंट और कैसे कैसे चेंज हुए हैं.

थ्रू करना शुरू करो सॉल्व करना शुरू करो बस ये करते रहोगे पूरा टाइम पूरा दिन तो आपका ब्रेन अपने आप इससे एडजस्ट एंड यूज टू हो जाएगा अगेन मैक्सिमम यू हैव टू डू इन द सेम टाइम एज योर स्लॉट आइडियली पूरा दिन तो करना ही करना है, है? चलो बस छोटा सा वीडियो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था ये छोटा सा ही रखेंगे बेटा इतना याद रखना यू मे मेक इट यू मे नॉट मेक इट

हुआ हुआ नहीं हुआ डोंट वरी देर आर ऑल्टरनेटिव देखा जाएगा यार सो so, बेटा मैं आपको छोड़ रहा हूं इस थॉट के साथ वॉट एवर द बेस्ट सो यू विल मेक इट यू विल क्रैक इट नो डाउट बट इवन इफ यू डोंट गिव इट योर बेस्ट आई होप दिस मेक सेंस ठीक है चलिए कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना डिड दिस वीडियो हेल्प यू

बट बेटा तोड़ेंगे मचाएंगे स्टे हैप्पी स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव एंड टी मीट अगेन दिस इज अमित सर साइनिंग आउट